Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science or truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. आप में से जो जो लोग सैन डिएगो आ रहे हैं हमारे रिक्वेस्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई लव द वे रिस्पॉन्स हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस. क्या दुनिया में कितने इकोनॉमिक मॉडल्स हैं इस पर लोगों ने बहुत मैंने तो मेरा तो उसमें कोई रिसर्च नहीं है, आप लोगों को मालूम ही है मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ, जो पता है जो नहीं पता है नहीं पता. सो बट बार बार वेस्ट कोलैप्स करता रहता है, बार बार वेस्ट हर 8 साल में कोलैप्स करता है और किसी ने मुझे डेटा दिया कि हर 8 साल में इकोनॉमी बनती है, तो वो सब सीखेंगे हम सबकी फेमस अर्थशास्त्री से प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी से. विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी. नमस्ते एंड वेलकम. हाँ जी, आज तो मैं अपने क्षेत्र में हूँ, जीवन भर अर्थशास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र में ही पीएचडी किया, लेक्चरर बनी, रीडर बनी, प्रोफेसर बनी, शुरू की जितनी पुस्तकें लिखी वो अर्थशास्त्र के डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पब्लिक फाइनेंस पर लिखी. तो चलिए आज अपने एरेना में मैं हूँ. एक मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा बेसिक, क्योंकि ये बहुत प्रोपेगेंडा चलता है इधर. पहली बात तो जीडीपी कैलकुलेशन क्या वो वैलिड है या नहीं है, जीएनपी कैलकुलेशन जो वेस्ट हमेशा दिखाता है वैलिड है कि नहीं है, अगर जीडीपी इतना हाई है तो इतने गरीब लोग कैसे हैं वेस्ट में, 30% अमेरिकन गरीब हैं, 30% भारत में सिर्फ 12% गरीब है, 21.9% इज वर्स्ट डेटा. और फिर एक ये तो एक ही हो गया जीडीपी वाला हो गया. दूसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा कि अर्थशास्त्र में और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, लोगों को पता नहीं है शायद और दोनों का. और हमारे सबसे अच्छे अर्थशास्त्री रहे युधिष्ठिर महाराज, अकॉर्डिंग नारद मुनि, उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं है और नारद मुनि उनको मना करते हैं इंस्ट्रक्शन देने से. तीसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा इसी पे कि अर्थशास्त्र क्या आज है पृथ्वी पे कि नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम सिर्फ चाणक्य ऋषि को कनेक्ट करते हैं और फाइनेंशियल नंबर्स पे कनेक्ट करते हैं, और मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी है और उसमें मुझे लगा किस तरह टैक्सेशन होना चाहिए, किस तरह समाज के डिवाइड होना चाहिए, मच बिगर बुक देन जस्ट प्योर इकोनॉमिक्स. प्लीज अब आप कंटिन्यू करिए, इसमें बताइए सबको, मुझे सीखना है, मैं भी सीख रहा हूँ. चलिए पहले आपके प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देके फिर मूल टेक्स्ट में ले मूल वाड़ा में ले आऊं. ठीक है. जीडीपी जीएनपी फर्जी वाड़ा है, माइथोलॉजी से भी महान चीज है, ये शुद्ध फर्जी वाड़ा है, आंकड़ों का बही खातों का झूठ है, सरकार की आंख में धूल झोंकने के लिए. सरकार की आंख में कौन झूठ धूल झोंकता है, वहां के विशेषज्ञ, वहां के ब्यूरोक्रेट्स, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए शुद्ध फर्जीवाड़ा है जीडीपी जीएनपी एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरा प्रश्न, इसकी विस्तार में बात करेंगे. दूसरा प्रश्न इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र, ये आपसे ज्यादा कौन जानता है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो है वो राजनीति शास्त्र है, राज्य का सार शास्त्र है, और जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं वो राज्य के एक नन्हे से अंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड एक छोटा नन्हा सा अंग है, तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है. तीसरा, संसार में अर्थशास्त्र है कि नहीं, संसार में तो अर्थशास्त्र भरा हुआ है, उसके प्रैक्टिशनर्स शिथिल और कमजोर है. अब इससे आपने जो ये मूल विषय मेरे निवेदन पर रखा, इसकी मैं पहले आपको एक कथा सुनाती हूँ. एक बहुत हम लोगों के आत्मी हैं देवेंद्र कैंथोला जी, उनसे 2-3 साल पहले भेंट हुई. ये सज्जन, इनके पिताजी बड़े इंजीनियर थे कोलकाता में, इन्होंने सारे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई की है, विदेश में भी पढ़ाई की है,
इंजीनियरिंग की, इनकी आयु इस वक्त 60-62 साल है और ये मरीन इंजीनियर बने हैं। और मरीन इंजीनियर में भी उन्होंने बताया कि जो सबसे मुश्किल काम होता है, चैलेंजिंग होता है, ऑयल टैंकर्स को लाना और ले जाना, उसके ये इंजीनियर रहे। तो ये मरीन यानी हाई सीज में बहुत रहे। हाई सीज में मतलब यूरोप, अमेरिका, कोरिया, ताइवान, दुनिया भर में तेल के टैंकर के साथ घूमते रहे और जमीन पर भी जाके, उन देशों में भी जाके काफी काफी समय बिताया। यानी आधुनिक दुनिया के बड़े जानकार। उसके बाद नरेशन में थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, 40 साल या 38 साल या 36 साल की उम्र में ये 2-2.5 साल स्कॉटलैंड रहे और वहां के एक अत्यंत प्रसिद्ध कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो कहे, उसमें इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई। अब इंजीनियरिंग और मैनेजर लीथल कॉम्बिनेशन। एक अत्यंत संस्कारी पहाड़ी परिवार के ये वंशज है, कैंथोला जैसा इनका नाम है, उत्तराखंड के हैं ये। तो संस्कारी परिवार के हैं तो इनके ओ देश का, धर्म का, मानवता का, प्रकृति की बड़ी चिंता है। भले व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, स्वाभाविक है जिस प्रोफेशन में रहे उस प्रोफेशन में दबा कर इन्होंने कमाई भी की, लेकिन साथ में त्यागी तपस्वी वृत्ति भी है। पिछले 10-15 साल से ये अनेकानेक यात्राएं करते हैं नंगे पांव, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और एक वो जो रात जात यात्रा होती है उत्तराखंड में, 12 साल में एक बार रूप कुंड तक चढ़े हैं। और श्रद्धा ऐसी है नंगे पांव चल, पांव कट जाता है, खून आता है, जो चोट लग जाती है, लौटते हैं तब ये जूता वूता पहन ले। ऐसे व्यक्ति 2-2.5 साल पहले मुझसे मिले, पहले उनका बताना है कभी फोन से बात की, और इन्होंने मेरी वार्ताएं सुनी तो इनको लगा कि एक जबरदस्त अर्थशास्त्री के साथ मैं बात कर रहा हूं। और ये महिला भली महिला है, कुछ सनातन धर्म वाली महिला है, तो ये एक चिंता से पगलाए डोलते हैं, जो मैंने शब्द क्या कहा, चिंता से पगलाए डोलते हैं। उसके पहले मैंने क्या कहा, लीथल कॉम्बिनेशन है इंजीनियर और मैनेजमेंट की स्कॉटलैंड में पढ़ाई। दूसरा लीथल कॉम्बिनेशन है मॉडर्न सेक्टर में एकदम एलीट क्लास, और उसके बाद संस्कार से भारतीय। तो दोनों का घाल मेल इतना लीथल है, ये संसार को सुखी कर देने के लिए पगलाए। मेरे परम आत्मी है, मैं उनको इसी भाषा में कहती हूँ, हो सकता है वो मुझे इस वक्त सुन भी रहे। तो उनका कंसर्न क्या है कि साहब एक प्रकृति आधारित खेती होनी चाहिए। उसके तरह तरह के वो वैदिक और सांग उपनिषद का नाम देते हैं, वो वैदिक उपनिषद का नाम है भी कि नहीं है मैं नहीं जान सकती, क्योंकि मैं वेद उपनिषद के बारे में, और लगे रहते हैं इकोनॉमिक मॉडल बनाने, जो मैनेजमेंट के आदमी है और डिलीवर करना जानते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग भी है, टेक्निकल नॉलेज भी है। तो यूरोप की कमियों को यूरोपियन, उनकी भाषा अब मैं बोलती हूँ, यूरोपियन इकोनॉमिक मॉडल की कमियों को दूर करने में लगे हुए हैं। और उनका स्ट्रेंथ और प्राइड क्या है, यूरोपियन नॉलेज का, यूरोपियन मेथोडोलॉजी का जानकार। अब यूरोपियन नॉलेज नहीं, अब ये मेरी भाषा, यूरोपियन मिथ मेकिंग का जानकार हूं, फिर एडिट कर रही हूं। यूरोप ने जो मिथ फैलाया, यूरोप में पढ़ाई करके, मॉडर्न सेक्टर में पढ़ाई करके,
उसके शिकार होना, और ये उसके शिकार हैं, और ऐसे लाखों लोग हैं जो पूरा का पूरा एफ्रो एशियन लैटिन अमेरिकन देशों का जो प्लानिंग करने का सरकार के द्वारा इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, जिनको विशेषज्ञ कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा में, ये सब देवेंद्र कैंथोला भैया हैं। सबको ये लीथल कॉम्बिनेशन और ये लीथल बीमारी, तो इन सबका प्राइड है। यूरोप यूरो अमेरिकन सेक्टर ने जो मॉडल बनाया, उस मॉडल से उनका तो देखो क्या क्या प्रगति हो गया, हम लोगों का बड़ा विनाश विनाश हुआ। हम उसके जानकार हैं, ये बोलते नहीं है, ये बैक ऑफ द माइंड में, हम इसको ठीक करें। वही ये मैस्कुलिन हाथ, जिसके हाथ में धरती माता है, ये ठीक कर लेंगे उसी जानकारी से जिसने इनके अनुसार बहुत विनाश किया। फिर इसमें पुरुष सूक्त और उपनिषद के सूक्त और पता नहीं कहाँ कहाँ का सूत्र, और ये लक्ष्मी मॉडल है, ये नारायण मॉडल है, ये पता नहीं क्या मॉडल है, और गाय पर आधारित है, गाय के गोबर से ये करेंगे, उससे वो करेंगे, दुनिया की बात। तो वो इनको लगा मुझसे मिलके, मेरी पुस्तकें पढ़ के, मेरे भाषण सुन के, एकदम सही व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं। तो ये मुझसे डिस्कस करते थे, तब मैंने एक दिन अभी हाल में 2-3 महीने पहले उनको कहा, भैया जो आज का विषय, यूरोप में इकोनॉमिक मॉडल कब था? यूरोप से जो मेस्मराइज्ड है लोग, उस यूरोप के पास प्लानिंग कब था? एंड ही वॉज शॉक्ड, ही स्टार्टेड लिसनिंग टू मी, इज अ वेरी ब्राइट, वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और जानते तो ही है चीजों को, एकदम ठहर गए। उनको लगा बात में कुछ दम है, क्योंकि वहां के वो जानकार है। तब मैंने बात को शुरू की कि भैया ये जो एडम स्मिथ है, जो वेल्थ एंड पावर्टी ऑफ नेशन लिख रहा है, कब लिख रहा है? 1757 में। इस एडम स्मिथ ने दुनिया को देखा या जाना है क्या? देखने से भी जानना नहीं होता है, उसने तो देखा भी नहीं है, जानने का सवाल नहीं। एडम स्मिथ ने दोनों अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया देखा था क्या? यूरोप को भी देखा था क्या? जाना तो उसने इंग्लैंड को भी नहीं। ये तो एडम स्मिथ का वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता। और उसके बाद रिकॉर्डो है, माल्थस है, दुनिया भर के लोग हैं। ये प्योर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टेक्निकल सब हो। 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग हैं उनकी कथा थोड़े देर से मैं। तो 1757 से 1914, मोटा मोटा 150 साल। तो अर्थशास्त्र के, अर्थ नहीं, इकोनॉमिक्स के या पॉलिटिकल इकोनॉमी के पिताजी तो एडम स्मिथ है ना, तो पिताजी के पहले तो कुछ है ही नहीं उनके यहाँ। जो फिजियोक्रेट्स और मर्केंटलिस्ट की बात करते हैं वो कितना हास्यास्पद है, ये इकोनॉमिक्स के जानकार लोग जानते हैं, लेकिन हमारे सोने सुनने वालों के कंसर्न का विषय नहीं, इसलिए एडम स्मिथ ऑनवर्ड। तो 1757 से 1914, या बल्कि कहें इंटरवॉर पीरियड, द ग्रेट डिप्रेशन 1929, जॉन मेनर्ड कीन्स, इसके पहले जो कुछ यूरोप में घटित हो रहा है, क्या वो विचार पूर्वक घटित हो रहा है? जो यूरोप का वास्को डी गामा, कोलंबस और उसके बाद के मेगलन, ड्रेक, हॉकिंस, दुनिया भर के एडवेंचरर, एडवेंचरर को अगर हम अपनी भाषा में कहें तो लफंगे, न घर के न द्वार के, भटक रहे, कहीं लूट लिया, कहीं पाट लिया, क्योंकि इधर तो जीने खाने का ठिकाना। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में फॉर्मेशन हो रहा है,
वास्को डी गामा 1492-96 कुछ है, तो 1492-96 से 1600 100 साल तक तो पुर्तगाल को छोड़कर इंग्लैंड को यही नहीं पता है भारत कहाँ है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है वो किन लोगों की बनती है? यूरोप के इंग्लैंड के मार्जिनल लफंगों के। इसके वो जो चार्टर है उसमें लिखा है, एश्योरेंस है सरकार को या राजा को, राजा भी वैसा ही लफंगा है, कि नो जेंटिल मैन विल बी एम्प्लॉयड। क्यों? जेंटिलमैन निकलेगा ही नहीं, उनका जेंटिलमैन भी कैसा है हम लोगों ने सुना। तो 1600 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ भी कर धर रही है उसमें कोई प्लानिंग है क्या? कोई इकोनॉमिक मॉडल है क्या? 150 साल तक उसके करने धरने के बाद 150 साल बाद एक एडम स्मिथ, और 1757 से 1914 तक यूरोप ने जो किया क्या किया मोटा मोटा? कहीं उसके नाविक पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? अपने आप तो नहीं पहुंच गए, जो पहले से नेविगेशन में लगे हुए लोग थे। कहां पर? इंडियन ओशन में और साउथ अटलांटिक में भी लगातार इंटेंसिव ट्रेड चल रहा है, एक्सटेंसिव ट्रेड चल रहा है, उनकी सहायता से ये जगह जगह पहुंच रहे हैं और वहां मार काट लूट छिनैती। सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो अपना पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया वाले जो आर्किपेलागोस हैं, जो द्वीप समूह है, यहाँ पर केवल मार काट लूट जो जहां जैसे चलता है। कब से? कोलंबस से लेकर 1757, 250 साल से ज्यादा। 250 साल तक कोई इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या? कोई इकोनॉमिक मॉडल है क्या? सब मनमानी, जिसका जहां दांव लग गया, हाथ लग गया, जो जहां पहुंच गया वो लूटपाट। 1757 में एडम स्मिथ के पिताजी हैं, तो चलो भाई 1757 के बाद कोई इकोनॉमिक मॉडल है क्या? 1757 क्या है? 1760 है शायद एडम स्मिथ वाली पुस्तक का। 1757 बैटल ऑफ प्लासी है, इसमें इंग्लैंड का क्या लेना देना? सिराजुद्दौला जगत सेठ की बहू के पर कुदृष्टि रखता है, पहले भी बहुत सारी गड़बड़ियां किया है, सिराजुद्दौला को हटाना है, एक मीर जाफर को रख देना है, जगत सेठ वगैरह प्लानिंग करते हैं, इसमें सामने रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, खुद को भला रखते हैं, प्लॉट फेल कर जाए तो हम सुरक्षित रहें, और इसके एवज में इनको 3 गांव का लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट। चटगांव है, याद नहीं आ रहा है वो 3 कौन से गांव है, बंगाल के 3 गांव का लैंड रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन नहीं देते हैं अवार्ड में, क्योंकि इनका रोल बहुत नन्हा सा है। इनके अपने लेखन में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इससे ये जो कलेक्शन करते हैं ये पुराने चोटे हैं, तो ये ट्रेजरी में नहीं रख के बंगाल की ट्रेजरी में इनको जमा करने को कहा गया है, ये उठा के इंग्लैंड ले जाते हैं, इंग्लैंड का टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल हो जाता है। ये किसी प्लानिंग के तहत हुआ था क्या? कोई इकोनॉमिक मॉडल बनाया था क्या एडम स्मिथ, रिकॉर्डो और माल्थस ने? टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल होने पर दुनिया भर की घटनाएं वहां घटित होती हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, और ये 1757 तक सूती कपड़ा भी थोड़ा बहुत ले जाने लग गए हैं, उससे ये काफी मुनाफा भी कमाने लग गए हैं, तो स्वयं इंग्लैंड में झंझट हो रहा है, क्लाइव पर ही इम्पीचमेंट हो रहा है, क्लाइव को ही ट्रायल में डाला जा रहा है, बदमाश बताया जा रहा है, क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स है उसको इम्पीच किया जा रहा है कि ये बहुत लूटपाट करता है, बहुत धोखाधड़ी करता है। यूरोप तो बैकवाटर में है,
इंग्लैंड के भीतर कहा जा रहा है कि भाई साहब कपड़ा तुम मत लाओ, कपड़ा अच्छा कपड़ा ले आओ तो हम प्रिंट करेंगे, तो अच्छा धागा ले आओ तो हम वीव करेंगे। ये कोई इकोनॉमिक मॉडल की तरह चल रहा है, सब कुछ एडहॉक चल रहा है। और कपड़ा का ट्रेड करने तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी काले मिर्च का ट्रेड करने या यहां से ले जाके वहां बेचने के लिए, ट्रेड ही कह लो। काली मिर्च में पोर्चुगीज लोग हाथ नहीं लगाने दिए, बाद में डच लोग हाथ नहीं लगाने दिए, तो मरे खपे ये कॉटन ट्रेड में चले गए। जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए तो ये कॉटन ट्रेड में गए। ये इकोनॉमिक प्लानिंग की थी क्या एडम स्मिथ, रिकॉर्डो माल्थस? अब इसके बाद आइए, इसके बाद ये भारत के नन्हे नन्हे राजाओं के झगड़े में पसर पसर के गुड गवर्नेंस के नाम पर राजाओं के ताबेदार बने। 1757 से 1857 तक 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने रिकॉर्ड में ये भारत के शासक नहीं है, भारत के शासक के दीवान हैं, मुंशी हैं, अनेकानेक शासकों के दीवान और मुंशी हैं इनकी अपनी लीगल राइटिंग में। इसीलिए 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, क्योंकि अपने अपने लीगल और घोषित मालिक बहादुर शाह जफर के खिलाफ इन्होंने काम किया। ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। तो 1857 तक पोर्चुगीज ने जो किया, डच ने जो किया, इंग्लिश ने जो किया, फ्रेंच ने जो किया, थोड़ा बहुत और बीच है क्या, ये शुद्ध एडहॉकिज्म नहीं था। संक्षेप में मैं आ रही हूं, जल्दी जल्दी ये पीरियड कवर कर रही हूँ। सारे दुनिया में जा, और ये कुल कितने लोग थे, और इसका जो इम्पैक्ट इनकी इकोनॉमी पर पड़ रहा था, क्या तत्कालीन समाज उसको पॉजिटिवली ले रहा था? यूरोप का तत्कालीन समाज इन सारे यूरोपियन कंपनीज को जो एशिया से ट्रेड कर रहे थे गालियां दे रहे थे। क्यों? ट्रेड करने के नाम पर ये अपने देश का बुलियन ले जा रहे थे, अपने देश के गोल्ड क्वाइन, अपने देश का सिल्वर ले जा रहे थे। इनके पास इतना गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आया? जहां आदित्य जी बैठे हैं वहां से, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका से जो सोना चांदी ये लूट कर चुरा कर ले गए, आधा अटलांटिक में डूब गया, आधा यहाँ आया। तो मैं 1857 तक आ गई, यानी 350 साल से ज्यादा। अगर कोई इकोनॉमिक प्लानिंग होती तो इन लोग की वाहवाह और तारीफ होती ना। ये सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनीज थे, डच, फ्रेंच, ये वो, इन सब का उनके अपने सो कॉल्ड देश में भयंकर आलोचना हो रही है, इन पर भयंकर रेस्ट्रिक्शंस डाले जा रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं बबल, हर 8 साल में इकॉनमी फेल कर जा रही है, वहां तो एक कार्गो के आने और एक कार्गो के जाने से ही उनकी इकॉनमी अप डाउन कर जाती है। बबल बनता है, बबल फूट जाता है। आप कुछ कहिए तो 1857 के आगे चलो। 1856 में अमेरिका में वापस इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई 1856 की, और 1857 का भारत का गदर हो गया। और जब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि उसके भी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले थी वो, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था वो जहांगीर के थ्रू, जहांगीर फोर के समय थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिप्लेस किया। उन दोनों के बीच में अगेन स्लो डाउन हुआ यूरोप में। और आपने मेक्सिको की बात करी, साउथ अमेरिका की बात करी, तेनोच्तितलान जिसको आज हम लोग बोलते हैं मेक्सिको सिटी, तेनोच्तितलान से 60,000 टन सोना ट्रांसफर हुआ 1586 में,
60,000 टन, मतलब अगर हम देखें उसका पूरा पीरियड देखें 1586 से लेकर 1680 तक 60,000 टन ऑफ गोल्ड वाज ट्रांसफर्ड टू स्पेन, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं पे कहां गया वो पैसा। ओनली रिकॉर्ड है 100 ships carrying 6,000 tons of gold each, ये था टोटल। सो आई डू नॉट नो कि वो कहां से गया, लेकिन फिर भी कोलैप्स कर गया ये पूरा। आधा अटलांटिक में डूबा, आधा भारत आया। हाँ, ओके। आधे से ज्यादा सोना हाई सीज में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि इनके जहाज सी वर्दी नहीं है, इनके नाविक हाई सीज का नेविगेशन नहीं जानते हैं, तो लगातार डूब जाते हैं और बाकी ट्रेड के नाम पर यहाँ आ जाता है। तो 1857 1860 यानी कोलंबस और वास्को डिगामा से 350 साल, जो यूरोप और अमेरिका को भी ले लीजिए, अमेरिका का भी रोल नहीं आता है, जो भी आर्थिक गतिविधि होती है ये स्टेट के बाहर है, ये एडवेंचरर्स के द्वारा है। इसके द्वारा यूरोपियन समाज में बहुत धन, बहुत खाने पीने की चीजें, बहुत कपड़ा, बहुत टेक्नोलॉजी, सब कुछ आया है, लेकिन इसके बावजूद इनका लगातार इन पर की आलोचना है, इनको वहां के समाज में ट्रायल है, निंदा है, धिक्कार है कि भाई जो न्यू वर्ल्ड से जो सोना चांदी आ रहा है तुम ले जाके ओल्ड वर्ल्ड में डुबा दे। अब 1857 के बाद क्या होगा? अगर अब आइए, इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक मॉडल कहते किसको और कौन ये दोनों कर सकता है? ये वो दोनों कर सकता है जिसको अपने बारे में पता है और दुनिया के बारे में पता है। हम लोगों ने पूरा यूरोप का सीरीज किया है। 19वीं शताब्दी तक यूरोप वालों को जो अपना नेशन स्टेट कहते हैं उसके बारे में कहां पता है? 19वीं शताब्दी के खत्म होने तक यूरोप प्राइमरीली एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। इनका जो भी फर्जी जीडीपी जीएनपी, जो भी फर्जी एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन कैलकुलेशन है, वो क्या बताता है? इंडस्ट्री जरा सी है। कब तक? 19वीं पूरी शताब्दी की मैं बात कर रही हूं। प्राइमेसी एग्रीकल्चर की है। ना, ये प्राइमरली पशुपालक समाज है। इंग्लैंड का, यूरोप तो बैकवाटर में पड़ा है, इंग्लैंड इनका इंडस्ट्रियल नेशन है। इंग्लैंड की इंडस्ट्री क्या है भाई? 1860 तक, 1757 में तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, 1860 तक तुम्हारा क्या है? कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री का तो तुम रेवोल्यूशन बता रहे हो, तुम्हारा जीडीपी और जीएनपी तो भेड़ और ऊन से है ना भाई, उसके रिकॉर्ड नहीं है, एक्स्ट्रापोलेशन है, कंजक्चर है, इंटरपोलेशन है, लेकिन जो भी है इंग्लैंड खेती कम करता है, भेड़ ज्यादा पालता है, भेड़ के बाल उतार के मोटा झोटा रद्दी सद्दी ऊनी कपड़ा बनाता है, उसका जितना बड़ा शेयर है उससे बहुत छोटा शेयर कॉटन का है। क्यों? न कॉटन को धागा बनाना आता है, न बुनना आता है, न सिलना काटना रंगना धोना, जो पूरी प्रक्रिया है वो इनको तो आती नहीं। कारण, कॉटन तो ट्रॉपिकल प्रोडक्ट है ना भाई, इंग्लैंड का तो प्रोडक्ट ही नहीं है कपास, और साथ ही सूती कपड़ा उनका रिक्वायरमेंट नहीं है। आज वाला इंग्लैंड थोड़ी है, पूरी 19वीं शताब्दी तक यानी 1899 तक इंग्लैंड में घर गर्म करने के लिए तो आग ही जलाना पड़ता है ना, न बिजली है, न पेट्रोल है, न तेल है, एटमिक एनर्जी तो भूल जाइए, लकड़ी जला के और कोयला जला के ही तो घर गर्म करते हैं,
1899 तक। तो कॉटन का रोल नहीं है, रोल है उन्हीं कपड़े का। तो अब हम फिर आते हैं 1857 से 1899 तक। 1899 तक इनकी जो पूरे यूरोप को अगर लें तो पूरा पूरे यूरोप का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में लॉयंस शेयर तो घोड़े गाड़ी का और पहिया पहिया चलने का है ना। 1899 तक रेलवे यानी कोयला का रोल कितना है पूरे यूरोप में, मनुष्य को लाने ले जाने में और सामान को ढोने। 20वीं शताब्दी में जाकर सड़कें, रिवर नेविगेशन और रेलवे ट्रैक विस्तार से बिछे। तो इकोनॉमिक मॉडल तो अभी आगे की बात है, इकोनॉमिक प्लानिंग 1899 तक कहाँ है। 1870 में तो इनके यहाँ जर्मनी नाम का देश बनता है। 1870 में तो इनके यहाँ इटली नाम का देश बनता है। और जो देश बन रहा है वो ऐसा कमाल का देश है कि बनने के साथ साथ एक थप्पड़ लगाता है किसको, फ्रांस को। और थप्पड़ ऐसा तगड़ा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जर्मनी के सैनिक मार्च करते, पेरिस के घरों में बैठ के जर्मन सैनिक नाश्ता करते हैं, जर्मन सैनिक पेरिस फ्रेंच स्त्रियों के साथ सोते हैं। यानी फ्रांस की हालत कितनी पतली है। और 1914 यानी 1870 में बनकर 1914 में जब पहली लड़ाई शुरू होती है, 40 साल के अंदर एक नया नया ताजा ताजा टटका टटका देश जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और इनके सारे भाई बंधु एलाई दोस्त के नाक में रस्सी डाल के इनको ना दे देता है। अगर कोई इकोनॉमिक प्लानिंग होती, बाकी छोड़ दो भाई, कम से कम इस जर्मनी जो तुम्हारे घर में बैठा हुआ था, जो 1870-71 में ही तुमको थप्पड़ लगा के अपना बल दिखा दिया था, उससे निपटने का जुगाड़ तो तुम किए होते। तुम्हारे पास डिफेंस की तो प्लानिंग होती, इकोनॉमिक प्लानिंग तो बहुत दूर है। डिफेंस की प्लानिंग मतलब तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे मनुष्य, तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारे नेशन स्टेट के सर्वाइवल का प्रश्न है और उसकी तुम्हारे पास कोई प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग तो बहुत आगे की चीज है। इनके लिए दुनिया भर में क्या हो रहा है, ये जहां जहां जाके बस रहे हैं, कहीं अमेरिका में, कहीं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे दोनों अमेरिका में, वहां से दुनिया भर का सामान ला रहे हैं, दुनिया भर का सामान ले जा रहे हैं। और इस लाने ले जाने में ये सारी इकोलॉजी को तो तबाह कर दे रहे हैं। कहीं भेड़ियों को मार रहे हैं क्योंकि भेड़िए भेड़ को खा जाते हैं तो खरगोश बढ़ जाते हैं। कहीं ये छोड़ते हैं, एक पुस्तक है इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म या बायोलॉजिकल इंपेरियलिज्म, उसको आप देखिए, जैसे घनघोर भांग के नशे में पड़ा हुआ समाज के सदस्य कुछ कर रहे हैं, समाज कुछ नहीं कर रहा। कब तक, 1899 तक। इकोनॉमिक क्षेत्र में समाज कुछ नहीं कर रहा है। समाज मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, स्टेट कुछ नहीं करता है, बहुत नॉमिनल भूमिका कर रहे हैं व्यक्ति, जिसको ये प्राइवेट इंटरप्राइज कहते हैं, ये कर रहा है और ये मनमानी कुछ भी कर रहा है। और इस स्केल पर कर रहा है कि अमेरिका, दोनों अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका से कहीं आलू लाता है और आलू का क्रॉप मिड 19 सेंचुरी में फेल कर जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं। जहां इकोनॉमिक प्लानिंग होगी
वहां खाने का इंतजाम का तो जुगाड़ होगा ना भाई, जहां साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, उनको ये दिमाग तो होगा कि जो फसल तुम दूसरे जगह से लाकर अपने यहाँ उगा रहे हो वो फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो 1899 तक भूख की प्लानिंग नहीं है, भोजन की प्लानिंग नहीं है, डिफेंस की प्लानिंग नहीं है, बीमारियों की प्लानिंग नहीं है। 1918 फ्लू, 1918 क्या है, 1914 से 1918 19 में पहली लड़ाई खत्म होती है। लड़ाई खत्म होते ही जो फ्लू फैलता है यूरोप के आदमियों की छाती में, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, स्त्रियों की छाती में बलगम ऐसा जम जाता है सांस लेते नहीं बनता है। इतने आदमी मर जाते हैं जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरने वालों की संख्या गोली से नहीं, तलवार और बर्छी से नहीं, ट्रेंचेज में सड़कर मरने वालों की संख्या फेनोमिनल है। अब हम आ रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, अभी मॉडल पर तो हम आए ही नहीं। ये तो वो जीएनपी जीडीपी टाइप का फर्जी चीज है। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग होती, भूख की, सुरक्षा की, बीमारी की, तीन का जुगाड़ करने के बाद आप ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की, भोग की, विलासिता की बात करते ना, इतना इंतजाम तो चूहा करता है, इतना इंतजाम तो चींटियां करती। बरसात आने के पहले अपने बिल में अनाज इकट्ठा कर, और चींटियों के लिए तो मैंने पढ़ा वो अनाज को दो टुकड़े में तोड़ देती है जिससे कि जर्मिनेशन में उनके अस्तित्व पर संकट आ जाए। ऐसा तो चूहा बिल्ली इनके साथ नहीं हुआ है, चींटी चींटे के साथ नहीं हुआ है, मक्खी मच्छर के साथ नहीं हुआ है। जो यूरोपियन इकोनॉमी, यूरोपियन पॉलिटी, यूरोपियन सोसाइटी के साथ हुआ है, कब तक, अब मैं बढ़कर आ गई 1918 तक, फ्लू तक मैं चलता। अब आ जाइए इंटरवॉर पीरियड, यानी 1919 से 1939, 20 साल। ये ग्रेट डिप्रेशन कब का है, 1929, यानी 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध एक चौथैया हिस्सा बीत चुका है। और ऐसा भयंकर डिप्रेशन आता है, स्लंप आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग होती तो स्लंप आता क्या? हम लोग भारत का इतिहास रामायण से पढ़ते चले, और रामायण भी एक कल्प का त्रेता युग है, लाखों साल। महाभारत ले लीजिए, 5100 साल, क्या हमने एक कथा पढ़ी है डिप्रेशन की, स्लम्प की, महामारी की, फ्लू की? या कोई आए और हमारी राजधानी में झापड़ मार के घरों में घुस जाए, ये कथा क्या हमने 19वीं 18वीं शताब्दी तक की पढ़ी? तो इकोनॉमिक प्लानिंग यूरोप को नहीं आता है, कारण यूरोप एक कंगाल समाज, एक कंगाल पॉलिटी है। कब तक? मार्शल प्लान यानी 1950-56 तक। तो अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन आता है, इससे निपटने के लिए कीट्स कहता है कि साहब सरकारें खर्चा करें, सरकारें कुछ पब्लिक यूटिलिटी के काम करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और इस आर्टिफिशियल पुश से इकोनॉमी को रिवाइव कर। पहली बार सरकार के खर्च के द्वारा, जिसको पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं,
आर्टिफिशियल पंपिंग के द्वारा इकोनॉमी को रिवाइव करो। 1929 के बाद 1930, 31, 32, 33 और 1930 से 2024, ये जो 100 साल है जिसमें इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो और उसका इंस्ट्रूमेंट कौन है? स्टेट। स्टेट क्या है? जो ऐसा है जो कहीं से कुछ भी उठा लेता है, दुनिया भर से, अपनी सोसाइटी से, जो जी में आता है सो करता है। ऐसे सोसाइटी में पिछले 100 साल से तो इकोनॉमिक साइकिल्स की बात हो रही है ना, इकोनॉमिक्स के लेखन पठन पाठक में अप डाउन अप डाउन, शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वेरी लॉन्ग टर्म, इसकी प्लानिंग की बात हो रही है पिछले 100 साल में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक मॉडल्स की बात पिछले 50 साल बात हो रही है। इकोनॉमिक मॉडल पिछले 50 साल में भी नहीं है। अगर 50 साल में इकोनॉमिक मॉडल होता तो मार्शल प्लान के बाद यूरोप का जो अद्भुत रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिवाइवल होता है, रिसर्जेंस होता है, ये सारे शब्द गलत जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ना रिवाइवल है ना रिसर्जेंस है, एक अजीब सी कैंसरस ग्रोथ की घटना है, लेकिन अभी मैं फिलहाल उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो 1926 मार्शल प्लान का आप साल 60 बोले, 56 बोले, 50 बोले, प्लान का पैसा आने लगता है, यूरोपियन सोसाइटी में पंपिंग होती है, यूरोपियन सोसाइटी गुब्बारे की तरह फूलता है, सब में 2-4-5 साल लगता है अलग अलग जगह। और ये कौन सा समय है? ये समय है नियो कॉलोनाइजेशन, यानी बिना युद्ध, बिना डायरेक्ट गवर्नमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रोल, मॉनेटरी कंट्रोल, ट्रेड वॉर, ट्रेड के टर्म्स ऑफ ट्रेड के द्वारा तुम दुनिया का धन उठा ले रहे। और इसके बाद फिर बबल फट जा रहा है। इसके बाद जो अभी आदित्य जी ने बताया, इतना जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट, इतना जबरदस्त इन्फ्लेशन, और अब तो इनकी विदाई का समय आ गया, पुनर्मुस्को भाव का समय आ गया। कहीं इनको सोवियत रूस पीट लेता है, कहीं इनको कम्युनिस्ट शी जिनपिंग का टेंशन सता रहा है। ये रोज नए भस्मासुर खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने पेट्रोलियम को अपना एनर्जी का साधन बनाकर कैंसरस ग्रोथ किया। अगर प्लानिंग होती तो पेट्रोलियम के बाद तुम्हारे यहाँ एसिड रेन क्यों? पेट्रोलियम के बाद तुम्हारे यहाँ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों? पेट्रोलियम के बाद पर्यावरण का इतना भीषण दूषण क्यों होता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता? तुमको अपनी जनसंख्या में वर्किंग पॉपुलेशन का अनुपात का ज्ञान नहीं होता। पहले तुम्हारे यहाँ लोग बेरोजगारी से मरे और उसके बाद अब तुम अपने शत्रुओं को, मियां लोगों को यूरोप ले आए मैनुअल वर्क के लिए, वो तुम्हारी सोसाइटी के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गए। वेयर इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक मॉडल? तो ये झंझट कहाँ से शुरू हुआ? ये झंझट शुरू हुआ सोवियत रूस। सोवियत रूस ने पूरी सोसाइटी का कंट्रोल ले लिया कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ। कम्युनिस्ट पार्टी को कह दिया रशियन स्टेट,
कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट, कार्ल मार्क्स ने तो स्टेट के विदरिंग की बात की है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टेट के सारे फंक्शन को हाथ में ले लिया और कहा फिर सब कुछ आर्टिफिशियल, 5-year plans, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इनके हर प्लान के बाद लाखों लोग मर जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भयंकर तेज किया या जो प्रोडक्शन हुआ उसको मॉप अप कर लिया, इकट्ठा कर लिया, बाहर भेज कर टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक रेवोल्यूशन किया, जहां खाने का जुगाड़ नहीं था जिस कम्युनिस्ट रूस पे, वो मिसाइल बना रहा है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, वो स्पेस में जा रहा है। और इस जाने का परिणाम क्या हुआ, 1990 में सब कुछ टाइम टाइम फिस, 45 साल में इतनी इकोनॉमिक प्लान हुई कि स्टेट ही टूट गया, कम्युनिस्ट पार्टी ही टूट गई। इसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहेंगे कि इकोनॉमिक केओस कहेंगे, इसको इकोनॉमिक मॉडल कहेंगे कि डिसऑर्डर का मॉडल कहेंगे। आदित्य जी, आपने इतने अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं एंड कि एक्चुअली डिस मॉडल ही मुझे लगता है, बिकॉज़ यू नो एक्चुअली मॉडल तो यहाँ पे कहीं दिखता नहीं है, बिकॉज आई हैव डन, मैंने बहुत सारा फाइनेंशियल मॉडलिंग किया है, मुझे मालूम है कैसे होता है मॉडलिंग। और यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में बच्चों को इकोनॉमिक्स कोर्स पढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि अगर हर बार कोलैप्स ही कर रहे हैं तो व्हाट इकोनॉमिक्स दे आर स्टडीइंग। एक्चुअली एक इंडस्ट्री के लिए जो मॉडल है, एक वाटर पंप चलाने के लिए जो मॉडल है, जो एक तालाब खोदने के लिए मॉडल है, उसको ये इकोनॉमी पर इकोनॉमिक मॉडल कहते। अरे गधो, तुम्हारे पास मॉडल बिल्डिंग के लिए जरूरी है सारे वेरिएबल्स का ज्ञान हो। बिल्कुल, इस मामले में तो तुम इन्फेंट सोसाइटी हो ना भाई, मैच्योर सोसाइटी तुम कहा हो। तुम कभी कहते हो जलने पर पानी डालो, कभी कहते हो जलने पर पानी मत डालो, कभी कहते हो ब्रेस्ट फीडिंग करो, कभी कहते हो ब्रेस्ट फीडिंग मत करो, कभी कहते हो ये दवाई खाओ, कभी कहते हो वो दवाई खाओ। तुम इन्फेंट सोसाइटी हो इकोनॉमिक्स के मामले में। अर्थशास्त्र के मामले में तो ये हो ही हो, अर्थशास्त्र का यानी राजनीति शास्त्र का, राज्य का जो एक नन्हा सा विंग है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके मामले में भी ये इन्फेंट सोसाइटी है। तो मॉडर्न नाम का जो खेल खेलते हैं, इसमें केओस, डिस्ट्रक्शन, डिप्लीशन, डिसऑर्डर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पावर्टी, हंगर, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, डिजीज क्रिएशन, अभी कोरोना क्या था, और इसी तरह के सैकड़ों हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब मैं बात कर रही थी 1945 से 1990 सोवियत रूस इकोनॉमिक प्लानिंग, फर्स्ट 5-year plan, वहां तो शायद 7-year plan था, सेकेंड 7-year plan, थर्ड 7-year plan, और उसकी नकल में नेहरू, महालनोबिस जैसे जो स्वनाम धन्य गधे थे। अरे सोवियत रूस को ही देख लिए होते ना भाई, वो तो सामने मॉडल था ना कि वहां क्या दुर्गत हो रहा है। और अगर तुम्हारी औकात वहां जाकर इंडिपेंडेंटली सब कुछ देख पाने की नहीं थी, तो तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई थी क्या, कि तुमको समझ में नहीं आया ये गाइडेड टूर क्यों कराया जाता है जब छिपाना होता है। जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी वो भारत में प्लानिंग कमीशन के ऊपर जाकर बैठे थे।
भारत का प्रधानमंत्री प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता था और जो उपाध्यक्ष होता था वो सोवियत मॉडल की नकल करता था, और नकल ऐसा जिसको देखने की उसको परमिशन नहीं थी। तो मतलब गधों का झुंड, या गधे बहुत विरोध कर रहे हैं तो कौओं का झुंड, या गिलहरियों का झुंड, या कबूतरों का झुंड, शायद सभी विरोध करेंगे कि हम लोग इनसे ज्यादा होशियार हैं। ये लोग भारत में इकोनॉमिक प्लान, और हमारे देवेंद्र कैंथोला भैया जैसे लोग प्लानिंग कर करके पगलाए डोल रहे और बता रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका कौन कौन सा अलग अलग यूनिट है, इतना बिलियन डॉलर निकाल के रख रखा है अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए। अरे निकाल के काहे रख रखा है भाई, तू खुद ही कर लेना अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इतना भी जो नहीं देख पाने का सामर्थ्य है, ये प्लानिंग है या इनएडवर्टेंट फॉलआउट है यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम का, यूरोपियन एकेडमिया का, कि तुम्हारा कॉमन सेंस कॉमन लॉजिक का सामर्थ्य बंद। पहले मैं कहा करती थी घोड़ा, हम लोग के यहाँ घोड़ा गाड़ी था, हम लोग बचपन से घोड़े गाड़ी पर बैठते थे, कि घोड़े को ब्लिंकर्स लगा देते हैं, वो दाएं बाएं ना देखे, नाक की सीध चले। यहाँ तो इन ससुरों के पास नाक के सीध चलने का भी बुद्धि नहीं है, ये फैकल्टी ही भांग डाला हुआ है। जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो दिखता नहीं है। तो देवेंद्र भैया मुझसे नाराज भी होंगे, मुझसे खुश भी होंगे, मैंने सप्तोलॉजी के माध्यम से उनका नाम इतने लोगों तक पहुंचा दिया, इसलिए खुश होंगे, और नाराज होंगे कि उनके उदाहरण से प्रकारांतर से मैंने इकोनॉमिक मॉडल इज इक्वल टू इडियोसिटी, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इक्वल टू इल्यूजन, और केवल इल्यूजन नहीं है, ये बहुत बड़ा मिस्चिफ मेकिंग है। ये मिस्चिफ मेकिंग ही नहीं है, ये डायबोलिक राक्षसी कृत्य को अर्थ इकोनॉमिक लफाजी में ढकने का प्रयत्न इकोनॉमिक प्लानिंग किया कम्युनिस्ट देशों ने, अपने लाखों करोड़ों लोगों की निर्मम यातनापूर्ण हत्या को ढक दी। तो संक्षेप में आज मैंने बात कही है, अगर आप कहेंगे तो फिर कभी एंगस मैडिसन को उठाकर, एंगस मैडिसन ओईसीडी का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट का वो पब्लिकेशन, उसको उठाकर उसकी लाइनों को पढ़ के बताएंगे। ये 2001 का पब्लिकेशन, तो कहां से शुरू किया था, 1492 1498 वास्को डिगामा कोलंबस, फिर आई थी 1700 ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी, फिर 1757 एडम स्मिथ उनके बाबूजी, फादर बाबूजी तो अच्छे हैं हमारे, फादर कुछ गड़बड़ चीज है, तो वो फादर हैं सारे बास्टर्ड चिल्ड्रन के फादर जो हो। तो 1757 के बाद 1857 1870 जर्मनी का इमरजेंस, 1914 1945 मार्शल प्लान 60s, और ये दोनों कम्युनिस्ट प्लानिंग, ये मृग मरीचिका भी नहीं है, ये दानवी पैशाचिक कृत्यों को ढक कर लोगों को छलने का एक शब्दावली है, जिसमें श्रेष्ठ सनातनी उदार हृदय लोग फंस फंस के चक्कर खाते। तो 2001 के आगे का अगर समझना है, अब वो क्या चक्करबाजी कर रहे हैं, कौन सा माइथोलॉजी बुन रहे हैं, वीव कर रहे हैं,
तो हम एंगस मेडिसन को लेके अगले एपिसोड में बैठ सकते हैं। हाँ, अगले एपिसोड में एंगस मेडिसन लेते हैं, और तीसरे एपिसोड में मैं चाहता हूं कि आप सॉल्यूशंस बताएं, क्योंकि अब क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी हमको पता होना चाहिए कि हम किस तरह, जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो किस तरह भारत को आगे अपनी अर्थव्यवस्था को प्लान भी करना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम्स तो हम बता रहे हैं कि कहाँ पे अभी जब लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी पर कैपिटा, जीएनपी पर कैपिटा, मैं एंगस मेडिसन के लाइट पढ़ पढ़ के आपको उनके फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जो कहते हैं, फ्रॉम हॉर्सेस, पता नहीं मुहावरा कहां से आया फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, एनीवे जो भी होगा, तो उन्हीं की, उनके टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट की चीजों को मैं आपको सुनाऊंगी। एक्चुअली हाँ, वो बहुत जरूरी है, और आपने बहुत सारे जो भारत के जो अपने आप को बोलते हैं इकोनॉमिक, वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल्स को कोट करके बात करते हैं, काफी फेमस फेमस लोग हैं, मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, जो कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन उनके किसी भी मुंह से मैंने इस तरह बात नहीं सुनी है। पहली बार मैं आई एम टोटली शॉक्ड जो भी इंफॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं। नाउ इट इज अ चांस फॉर मी टू लर्न, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड कंप्लीटली पैराडाइम। अगर हमको कुछ चीज नया सीखना है, तो जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी होता है, अगर सॉफ्टवेयर में बग्स है तो पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर हटाना ही पड़ता है पूरा, फिर आपको नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है विद ऑपरेटिंग सिस्टम। यही करना पड़ेगा, और जिन फेमस लोगों की बात कर रहे हैं उनको मैं बिना संकोच के कह रही हूं, यूरो अमेरिकन इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट उनको फोर्थ क्लास इकोनॉमिस्ट कहता है। करेक्ट, बहुत लिखा है सब पर 1990 में। करेक्ट, और ये सब मैं आपको पढ़ के सुना दी, थर्ड क्लास भी नहीं, मतलब तुम कैटेगरी के बाहर के लोग। मैंने, मेरी दो पुस्तकें हैं, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट और जेनेटिक असम्पशंस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी, मैंने आपको भेजा है, मुझे है, मेरे पास है, मेरे पास है बुक, इंटर उपलब्ध कराइए। कर रहे, हो रहा है, काम हो रहा है, हो जाएगा। मैंने उनसे वर्ड कॉपी मांगा था, वो हो जाएगा, दोनों अवेलेबल हो जाएंगे किंडल पे जी। उसमें ये सारी डिबेट मैंने 90 तक की दी हुई है, और 90 के बाद वाली एंगस के सहारे सुना दूंगी। यस, आपने आज इस वीडियो में इतने लोगों को आप शॉक कर दिया होगा अब तक, लोगों ने जिसे भी सुना है अभी तक, कि मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र अगर पढ़ना है तो नारद मुनि और युधिष्ठिर का संवाद जरूर पढ़िए, वो बेसिक है, महाभारत में है, मेरी पुस्तक भी है द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, और जब वो पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि वो सब भी अर्थशास्त्र नहीं है। तो उसके बाद जो कैलकुलेट होता है कि किस तरह युधिष्ठिर राज करते हैं, माइंड ब्लोइंग जिस तरह वो राज करते हैं वो, और किस तरह वो हर समाज के, अच्छा एक और मैंने एक और पढ़ा था रामायण में, भगवान राम को भी अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट बताया गया है, भगवान राम को भी। तो भगवान राम तो सभी चीज के एक्सपर्ट्स हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन भगवान राम ने जिस तरह 11,000 वर्ष राज किया, कोई भी एक भूखा नहीं, कोई भी एक नंगा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जिसके घर पे छत ना हो, और उस तरह राज किया। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना ही चाहिए ना, बिल्कुल। सारे लल्लू पंजू जो स्टेट मशीनरी चला रहे हैं, तो रोज बबल आ रहा है, तो लल्लू पंजुओं के हाथ में स्टेट है यूरोप अमेरिका में, तो जो हो रहा है उसके अलावा और क्या होगा। और दूसरा बात ये भी, किसी और टॉपिक में कभी और बात करेंगे, कि ये जो जो न्याय की जो पॉलिसी रहती है, न्याय की, वो तो हमेशा राजा के हाथ में रहती है, वो राजा ही न्यायाधीश होता है, लेकिन जो अभी जो आउटसोर्स कर दिया है कोर्ट सिस्टम के थ्रू, कि अर्थव्यवस्था में उसका क्या रोल है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि अब कोर्ट में एक अलग, तो उस, वो मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल, तो मैं रामेश्वर मिश्र, उसके लिए आप पंकज जी ये विद्वान धुरंधर लोग हैं, वो मेरा क्षेत्र नहीं है।
वहां मैं भी मूर्खाधिराज हूँ, अनपढ़ हूँ उस क्षेत्र की। मैंने लिखा है, लेकिन मैं उसको चैनल पे डिस्कशन के थ्रू लाना चाहता हूँ, क्योंकि जी के साथ लाइए ना, शैलेंद्र भैया, पंकज जी या और उपयोगी लोग हो उनके द्वारा। तो आज अपने ऐसे लोगों का 1 घंटा 16 सेकंड हो गया, आपने 50 मिनट कहा था। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, जिस तरह आपने बताया है कि लाइक आए आज मेरे डिबंकिंग इकोनॉमिक मॉडल एंड प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ एंगस मेडिसन, करेक्ट। तो चलिए अच्छा फिर हम उपाय। बिल्कुल, जी थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और आप मुझे, आई एम शॉक कि आप भी शॉक होंगे जिस तरह मैं शॉक हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशंस भी हम देंगे आफ्टर टू वीडियोस। तो अब तीनों वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, सो दैट यू कम टू द राइट सॉल्यूशन। सिर्फ प्रॉब्लम तीनों को बताने एक काम नहीं है। साथ 3 दिन निकालिएगा, नहीं, बिल्कुल तो भी इतना लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन, फिर उसके बाद कुछ और सॉफ्ट, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। ठीक ठीक है जी, है, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। नमस्ते, और जय आप जगन्नाथ। लोग 2 लाख पहुंचाइए। मैंने 50 साल में बहुत पढ़ाई की है, अभी मेरा आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, ये मैंने 20 साल पढ़ा, इसको मैंने अभी तक छुआ भी नहीं है। वेलकम टू दैट। अभी अभी आपने मुझे सर्पों की कहानी बताएंगे आपको, ये ड्रैगन क्या बला है, ये हमारा कीर्ति मुख है, बड़ा करेक्ट, मजेदार कीर्ति मुख है जी। चलिए, जय ठीक है, जगन्नाथ, थैंक यू, जय नमस्ते, जगन्नाथ। नमस्ते, जय जगन्नाथ।